दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको देंगे ही, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। जैसे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रोटीन से रिलेटेड बिजनेस करती हुई नजर आती होगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 यानी 2003 में कंपनी बन गई थी। कंपनी को काम करते हुए करीबन 20 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों ये जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर फिश प्रोटीन प्रोडक्ट, यानी कि फिश, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिश होती है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। बहुत सारे लोग क्या है, फिश डायरेक्टली नहीं खाते हैं लेकिन इसके बने हुए प्रोडक्ट को लेते हैं और कई दवाइयों में भी इसका यूज होता है। तो इसलिए ये कंपनी जो है प्रोटीन, जो फिश से रिलेटेड प्रोटीन है उससे प्रोडक्ट बनाने का काम ये कंपनी करती है। द कंपनी प्रोड्यूसेस द सप्लाइज फिश मील, फिश ऑयल, फिश सॉलिड पेस्ट, यानी कि आप देख सकते हैं जो फिश से रिलेटेड जो प्रोटीन से जो प्रोडक्ट है वो एक कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो प्रोटीन से रिलेटेड कंपनी और फिश प्रोटीन से रिलेटेड ये कंपनी है। तो अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में सबसे पहले आता है एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू आप देखें 2021 मार्च में अगर देखें तो एसेट वैल्यू 353 करोड़ के आसपास रही थी, जो कि अगर अभी सेप्टेम्बर 2023 तक देखें तो बढ़कर 641 करोड़ के आसपास हो गई, यानी कि लगभग यहां पर डबल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू भी आप देखें 609 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहां पर मार्च 2021 में था, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 2023 मार्च में ये 1183 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आया। और दोस्तों सितंबर 2023 तक अगर देखें तो 612 करोड़ तक ये हो गया है। अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024 मार्च तक देखते हैं ये लगता है डबल होता हुआ नजर आ सकता है, यानी पिछले साल की तुलना में बढ़ सकता है। दोस्तों अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास ही था मार्च 2021 में, लेकिन मार्च 2023 में 47 करोड़ से ज्यादा हो गया, यानी कि लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023 सितंबर तक इनका प्रॉफिट 32-33 करोड़ के आसपास हो गया है। और दोस्तों इस साल अगर पूरे साल का अनुमान करें तो करीब 70 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल काफी बढ़िया तरीके से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आईपीओ डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 29 फरवरी से ओपन हो चुका है, 4 मार्च तक ये ओपन रहेगा। अप्लाई करने के लिए 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है, 26 से 28 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड है, यानी 28 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा, 535 शेयर्स एक लॉट में रहेंगे। और दोस्तों टोटल 80 लाख शेयर मार्केट में आना है, जिसकी टोटल वैल्यू 224 करोड़ के आसपास होने वाली है। सारा इशू फ्रेश इशू के जरिए आएगा, बुकबिल्ड इशू रहेगा और बीएससी एनएससी में ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ आएगा। दोस्तों टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो 29 को ओपन होगा, 4 को क्लोज होगा, 5 तारीख को अलॉटमेंट आएगा और 6 तारीख को आपके पैसे वापस आएंगे। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है, आईपीओ मिल गया है तो 6 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 7 तारीख को इसकी मार्केट में लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। दोस्तों लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 535 शेयर्स रहेंगे, 14,980 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6955 शेयर्स आपको मिलेंगे और 1,94,740 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईपीओ आने के पहले ये कंपनी सारी की सारी प्रमोटर्स के पास थी, लेकिन आईपीओ आने के बाद कितना बचेगा ये अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं है। दोस्तों अगर बात करें, देखिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन भी सामने आ चुका था और उस हिसाब से देखें तो यूआईपी कैटेगरी में 1 गुना यानी कि लगभग पूरा भर गया है। अब जो भी होगा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। एनआईए कैटेगरी में 1.60% भर गया था और रिटेल कैटेगरी में भी आप देखें तो 4.07 भर गया था, यानी कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन पहले दिन के हिसाब से देखने मिला है और 2.67 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है। यानी तीसरे दिन तक देखने वाली बात होगी कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा करीबन 50-100 गुना से ज्यादा भी इसमें सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों ये सब जानकारी के बाद अब हमें ये जानने की इच्छा जरूर होती है कि इस आईपीओ में क्या करें, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसा हो सकता है, वो सारी चीजें। दोस्तों अगर मेरा माने तो ये जिस तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिस तरीके से पहले दिन इसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है और जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल पिछले 3-4 सालों से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ काफी बढ़िया होने वाला है और लॉन्ग टर्म में अपने इस प्राइस से, इशू प्राइस से भी कई गुना ये आईपीओ होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर बात करें लिस्टिंग गेन की, शॉर्ट टर्म
लिस्टिंग इनकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें प्रीमियम अच्छा खासा चल रहा है। 28 रुपए के इशू प्राइस पर आपको 23 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि लगभग डबल प्राइस पर लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलता है तो आपके लिस्टिंग के दिन ही पैसे डबल होने की उम्मीद यहाँ पर हो सकती है। तो मेरा मानना है कि लिस्टिंग गेन यानी कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी आपको पैसा लगाना चाहिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन शेयर्स को जरूर रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेसिस पर मेरे ख्याल से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप कुछ भी करते हैं प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको जरूर बात करनी है। धन्यवाद।